संस्कृत को हम पीछे छोड़ चुके हैं। आज मुश्किल से ही कोई इस भाषा को समझ पाता होगा, लेकिन कर्नाटक के एक गांव में आज भी बड़े से लेकर बच्चे तक सभी संस्कृत में बात करते हैं। भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां पुराने समय से लेकर आज 21वीं सदी तक संस्कृत भाषा का प्रयोग बातचीत के लिए किया जा रहा है। यहां बुजुर्गों, बच्चे, महिलाएं संस्कृत में बात करते हैं। 1981 में संस्कृत भारती नाम के संगठन ने इस भाषा को जिंदा रखने के लिए 10 दिन की संस्कृत वर्कशॉप गांव में आयोजित की थी। इस वर्कशॉप में गांव के लोग शामिल हुए थे। 600 साल पहले जब केरल के ब्राह्मण मत्तूर में आकर बसे तो वे संस्कृत के साथ साथ संकेती में बात करते थे। संकेती भाषा संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु का मिश्रण है। इस भाषा की कोई पांडुलिपि नहीं है, इसीलिए इसे देवनागरी में ही लिखा और पढ़ा जाता है। मत्तूर में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो या पुजारी, सभी संस्कृत समझते हैं। अधिकतर लोग इस भाषा को बेहद सरलता के साथ बोलते हैं। यहाँ आपको मोबाइल पर बात करते हुए, बाइक चलाते हुए या पैदल चलते हुए लोग संस्कृत में बात करते मिल जाएंगे। इस गांव के घरों की दीवारों पर संस्कृत में मार्गे स्वच्छताएं विराजते, ग्राम सूचनाएं विराजते कोट्स लिखे दिखाई देंगे। साथ ही कुछ घरों के दरवाजों पर लिखा दिखाई देगा कि आप इस घर में संस्कृत में ही बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।